हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं वर्धन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको स्पीड फुटिंग फाउंडेशन और उसके साथ जो प्लिंथ लेवल होती है उस पर ऑफसेट कैसे लगते हैं वो उसकी ड्राइंग बताएंगे। इससे पहले वीडियो में हमने स्पीड फुटिंग फाउंडेशन की ड्राइंग बता दी है कि वो कैसे बनती है। उसमें हमने आपको जो प्लिंथ लेवल पर ऑफसेट लगते हैं वे नहीं बताए थे, वे आज की इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रश्न में कहा गया है विस्तृत पाद यानी कि स्पीड फुटिंग वाली नींव का क्रॉस सेक्शन डीपीसी सहित दिखाइए जबकि प्लिंथ लेवल पर ऑफसेट है, डाटा निम्न है। ठीक है, हम इसमें डाटा बताएंगे आपको। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने अभी आपको बताया कि स्पीड फुटिंग फाउंडेशन बता दिए, उसमें हमने आपको प्लिंथ लेवल पर ऑफसेट नहीं बताए थे। इस वीडियो में बताएंगे प्लिंथ लेवल पर ऑफसेट कैसे लगते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। इसमें सबसे पहले आपको दीवार की जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है, वो मान लेनी है। इसमें हम 30 mm ही मान 30 cm ही मान लेते हैं थिकनेस टी। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 30 cm। ठीक है, इसमें हम जो थिकनेस ले रहे हैं वो 30 cm ले रहे हैं। ठीक है, हमने आप बताया था कि जो कंक्रीट ब्लॉक होता है उसकी जो चौड़ाई आएगी वो 2t+30 से आएगी, जिसे W से प्रदर्शित कर देंगे, 2t+30 से आएगी 30 cm। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 cm। ठीक है, इसमें हम एक स्केल भी मान लेते हैं, स्केल मान लेते हैं हम इसमें 1/10 का। ठीक है, यानी कि 90 cm को जब स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 cm। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक 9 cm की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ से यहाँ तक की एक 9 cm की लाइन ड्रॉ कर ली है। इसकी जो कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई आएगी, हमने बताया था कि 30 cm लेगी जितनी थिकनेस की वो लोगी। अगर 30 cm से ज़्यादा है तो तब भी 30 cm लेंगे, अगर 30 cm से कम है वॉल की थिकनेस तो जितनी थिकनेस होगी इतनी लेंगे। ठीक है, तो 30 cm को जब स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 cm, यानी कि आपको ऊपर की ओर 3 cm इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस तरह इस कंक्रीट ब्लॉक को आपस में मिला देना है। ठीक है, अब इस कंक्रीट ब्लॉक में कंक्रीट का सिंबल भर दीजिए। ठीक है, इस तरह से मैंने इसमें कंक्रीट का सिंबल बना दिया और ये जो हमने कंक्रीट बनाई है इसको आप 1:4:8 या 1:100 और करके या 1:5:10 या 1:6:12 में बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर काटते हैं बर इधर से 15 cm और इधर से भी 15 cm। 15 cm यानी कि जब स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 cm, 1.5 cm यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, और 1.5 cm ही यहाँ पर इधर से इधर। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये क्या खस के काटेंगे, ऑफसेट काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसकी जो ऊंचाई आती है वो आती है 10 cm। 10 cm को जब स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना जाएगा, 1 cm ऊपर की ओर, 1 cm यहाँ पर भी, 1 cm। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए हमने बताया था कि जो GL की हाइट होती है कंक्रीट ब्लॉक के बॉटम से वो लेते हैं हम 90 cm लेते हैं। ठीक है, कितनी लेते हैं, 90 cm लेते हैं। अब 90 cm कैसे लेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी होगी, 30 cm। अब 90 में से 30 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाए, 60। अब जो हमें इन खसकों की ऊंचाई लेनी होगी वो 20 cm ले लेंगे, कितनी, 20 cm। ठीक है, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, जब आपको लगेगा कि हमने 20 cm क्यों ली। ठीक है, अभी आप 20 cm ले लीजिए इन खसकों की ऊंचाई, 20 cm जब स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 cm आ जाएगा, तो इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी वो 2 cm कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी 2 cm कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए टोटल चौड़ाई कितनी है इसकी, 90, और यहाँ पर कितनी हो गई है, यहाँ पर हो गई है 15, इधर 15, इधर टोटल कितनी है, 60, वो 30।
यानी कि 90 माइनस 30 ये कितने की बन गई 60 की। अब जो ऑफसेट लगाते हैं वो 55 mm पर लगाते हैं यानी कि 55 सेंटीमीटर पर, ठीक है इस तरह से, ठीक है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर हम लगाते हैं यहाँ पर खसके की ऊंचाई कितनी लेंगे 20 सेंटीमीटर ही यानी कि 2 सेंटीमीटर। हमें खसके की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें कंक्रीट ब्लॉक के बॉटम से, यहाँ कंक्रीट ब्लॉक के बॉटम से जीएल तक की दूरी 90 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है इसीलिए हम ये ले रहे हैं। अब देखिए कितनी ऊंचाई होगी हमारे पास 30, 20, 50, 50 और 20, 70। अब हम एक बार और 20 mm का ले लेंगे तो 90 हो जाएगी और 90 पर हम जीएल दिखा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से 55 mm के अंदर की ओर इस तरह से, ठीक है और इसकी जो ऊंचाई ले लेंगे वो 2 सेंटीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर इस तरह से। अब देखिए अब यहाँ पर हम दिखा देते हैं अपनी जीएल, ठीक है इस तरह से हमारे पास बन गई जी एल। अब देखिए अब जी एल से कंक्रीट ब्लॉक के बॉटम तक की ऊंचाई गहराई कितनी होनी चाहिए 90 सेंटीमीटर, इसको नाप लेते हैं एक बार। देखिए बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक की 9 सेंटीमीटर आ रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर जो खसके की ऊंचाई ली है वो 20 सेंटीमीटर रखी है, ठीक है ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम लगाते हैं जी एल से 45 सेंटीमीटर की हाइट पर कितनी 45 सेंटीमीटर की हाइट पर वो लगाते हैं प्लिंथ लेवल। अब 45 सेंटीमीटर को जब स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगी, यहाँ से ऊपर की ओर 4.5 सेंटीमीटर लगभग यहाँ, ठीक है यहाँ पर भी 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर, और यहाँ पर दिखा देते हैं हम अपनी प्लिंथ लेवल, ठीक है यहाँ पर हम शो कर देंगे पी एल यानी कि प्लिंथ लेवल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमने क्वेश्चन में देखा था कि प्लिंथ लेवल पर ऑफसेट हो। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है इसको नाप लेते हैं, ये आ रही है हमारी 40 mm यानी कि 4 सेंटीमीटर आ गई है, और हमें वॉल कितने थिकनेस की बनानी है 30 सेंटीमीटर की यानी कि हम 5 mm इधर 5 mm इधर कस के काट लेते हैं, ठीक है 5 इधर और 5 इधर, और इसकी ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ कर दे। ऊपर की ऊंचाई आप कितनी भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, ठीक है इस तरह से, और यहाँ पर ये कटिंग जिगजैग कटिंग कर दे रही है कि ये ऊपर तक है, ठीक है इससे ऐसा होता है कि ये ऊपर तक है, ठीक है दोस्तों इस तरह से। अब हम इसमें दिखाते हैं डीपीसी। अब हम डीपीसी कहाँ दिखाते हैं, देखिए डीपीसी हम इस यहाँ प्रिंट लेवल से नीचे दिखाते हैं। प्रिंट जो डीपीसी की मोटाई होती है वो 25 mm होती है, ठीक है कितनी होती है 25 mm होती है यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, और जब 2.5 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे यानी कि 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगी 0.25 सेंटीमीटर। यहाँ ऊपर से 0.25 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से, ठीक है और इसमें आपको डीपीसी का सिंबल भर देना है, ठीक है दोस्तों इस तरह से मैंने इसमें 2.5 सेंटीमीटर की डीपीसी की मोटाई शो कर दी। अब हम इसमें दिखाते हैं 7.5 सेंटीमीटर यानी कि 7.5 सेंटीमीटर की लाइम कंक्रीट दिखाते हैं, ठीक है इस जब इसको स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.75 आ जाएगा यानी कि आपको 0.75 यहाँ रहेगा लगभग इस तरह से, इसमें आपको लाइम कंक्रीट का सिंबल भर देना है, ठीक है इस तरह से हमने यहाँ पर ये लाइम कंक्रीट का सिंबल भर दिया, और जो इसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक की ये गहराई बची है इसमें आप सॉइल का सिंबल भर दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने स्केल को 45 डिग्री के अपने स्केल को 45 डिग्री के कोण पर सेट करके या घुमाकर इसमें ब्रिक का सिंबल शो कर दीजिए, ठीक है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ
है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने इसमें 45 डिग्री के कोण पर अपनी स्केल को सेट करके इसमें ब्रिक का सिंबल भर दिया है। अब इसमें जो इसकी सभी डायमेंशन है हम इसमें शो करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखिए हमने इसमें सभी डायमेंशन शो कर दिए। जो कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई ली थी 2t+30, जो चौड़ाई ली थी 2t+30, मोटाई ली थी 30 सेंटीमीटर, ऑफसेट काटे 15 सेंटीमीटर था, 15 सेंटीमीटर था, जो ऑफसेट की ऊंचाई लिया 20। देखिए यहाँ से चेयर से इसके बॉटम तक की दूरी 11.90 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 20, 20, 20, 60 और 30, 90, जो कि हमारी 90 हो रही है। फिर हमने GL दिखा दी, GL से 45 सेंटीमीटर पर हमने प्लिंथ लेवल दिखा दी, प्लिंथ लेवल पर यहाँ पर 55 mm के ऑफसेट करके 30 सेंटीमीटर की हमारे पास जो थिकनेस कहा था उतनी थिकनेस की वॉल आ गई। हमने इसमें वॉल का सिंबल भर दिया, 25 mm थिक की हमने DPC शो कर दी और 7.5 सेंटीमीटर की हमने सोइल लाइम कंक्रीट कर दी और बाकी की जो बची हुई सोइल का सिंबल भर दिया है। ठीक है, और जो कंक्रीट ब्लॉक बनाया हमने 1:4:8 या 1:5:10 या 1:6:12 का बनाए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसकी ड्रॉइंग पूरी हो जाती है। इसका नाम, इसका ड्रॉइंग का नाम हो जाएगा स्प्रीड फुटिंग फाउंडेशन विद प्लिंथ ऑफसेट। ठीक है, यानी कि हमने इसमें स्प्रीड फुटिंग फाउंडेशन बनाई है और इसमें हमने जो प्लिंथ था उस पर ऑफसेट काटे, जो जैसा कि प्रश्न में कहा गया था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इससे अगली वीडियो में हम आपको स्प्रीड फुटिंग फाउंडेशन के अंदर जो लोड बियरिंग वॉल होती है और नॉन लोड बियरिंग वॉल होती है उसकी ड्राइंग कैसे बनती है उसके बारे में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।